हेलो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स का एक और वीडियो हम लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है। तो खूब मेहनत कीजिए और यदि आप लंबा सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। आप में अगर शुरू करने का साहस है तो आप मंजिल को पा भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स लाए हैं, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। ये टॉपिक है, बता देते हैं कि क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक से ही शुरू किए हैं। ये टॉपिक है एल्कोहल चैप्टर से, ठीक है। तो आज के क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, गिव द स्ट्रक्चरल आयुपैक नेम ऑफ फिनॉल ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C7H8O, यानी C7H8O से जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा हम लोग उसका बनाएंगे और साथ साथ क्या करेंगे, आयुपैक भी करेंगे। यानी फिनॉल की संरचना आयुपैक के साथ बनाना है, किसका, C7H8O का। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड राइट आयुपैक ऑफ C5H10O। आपको बता दें कि आयुपैक और आइसोमर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक से। इस बार आयुपैक से क्वेश्चन बहुत आया है, तो मे बी थोड़ा अगले साल कम आए, पर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, C5H12O का समावयवी बनाना है आयुपैक के साथ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि C5 क्लासीफाई एल्कोहल यानी C5H12O के जो भी समावयवी हम बनाएंगे उसको 1, 2 और 3 डिग्री में डिवाइड भी करना है। यानी जितना भी हम C5H10O का आइसोमर्स बनाएंगे तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है कि उन आइसोमर्स को क्लासीफाई करना है कि उसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है आयुपैक। ये कुछ आयुपैक है एल्कोहल चैप्टर से, NCERT से क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है, तो ये लगभग 6 आयुपैक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब आयुपैक से स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इस बार आयुपैक से स्ट्रक्चर बनाने वाले क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस एल्कोहल NCERT टॉपिक से है, जिसमें आपको लगभग 8 क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसका आयुपैक है, आयुपैक से स्ट्रक्चर बनाना है। इधर वाले में स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिससे आयुपैक बनाना है, और इधर वाले क्वेश्चन में आयुपैक है उससे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप सब अच्छे से कॉपी कलम ऑन कर लीजिए और नोट्स करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चरल आयुपैक नेम ऑफ फिनॉल ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C7H8O। यानी C7H8O से जितना भी बनेगा आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका हम लोग को क्या बनाना है, आयुपैक बनाना है। तो C7H8O है, ठीक है। तो आंसर चलते हैं फर्स्ट की तरफ, है C7H8O, क्लियर। क्वेश्चंस के एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि फिनॉल किससे रिलेटेड बनाना है, फिनॉल से रिलेटेड बनाना है। तो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, C7H8O में फिनॉल को अगर देखें तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, जिसको हम लिख सकते हैं C6H6O, इस H को साथ कर दे तो। और हमारे सामने है C7H8O, अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे सामने क्या बच जाता है, CH2 बच जाता है। क्या बच जाता है, CH2। यानी सीधी सीधी बात, हमारा फोकस ये है कि फिनॉल में हम लोगों को एक कार्बन को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, और कुछ करना नहीं है। यानी हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनाएंगे, ये देखो C6H5OH की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और एक बाहर निकाल देते हैं, एक क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, CH3। अब कहोगे कि सर यहाँ CH2 है, तो आपको बता दें कि जहाँ भी अटैच होगा वहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, तो ऑलरेडी इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H4। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H4। यानी अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, ये तो खैर फिनॉल है, अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा C6H4, ये ऑलरेडी है OH, और ये आपका हो गया CH3। यानी टोटल काउंट कर ले तो C6 और ये 1 कितना हो गया, 7, H कितना हो गया, 4, 5 और 3, 8 O, क्लियर है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो CH3 है ये यहीं पर होगा, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। नंबर थर्ड,
ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये होगा तो इसका नाम हो जाएगा 2-methylphenol, क्या हो जाएगा, वन काउंटिंग यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इसका नाम हो जाएगा 2-methylphenol, ठीक है। अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो काउंटिंग तो यहीं से होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इसका नाम हो जाएगा 3-methylphenol, 3-methylphenol, यहाँ से काउंटिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये हो जाएगा क्या, 4-methylphenol, 4-methylphenol। अब आप कहोगे कि सर हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो क्यों ना हम OH का पोजीशन चेंज करें, OH का पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, पर IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इसको जहां भी ऐड करोगे वहीं से काउंटिंग होगा, वन वहीं होगा। यानी अगर आप इसको यहां ऐड कर देते हो, सपोज दैट यहां ऐड कर देते हो और CH3 को यहां कर देते हो, तो काउंटिंग यहां से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये हो जाएगा 2-methylphenol, क्या हो जाएगा 2-methylphenol। तो फिर वही हम लोग पहुंच जाएंगे, तो OH का पोजीशन चेंज कीजिए या CH3 का, किसी एक ही का चेंज करते हैं, एक को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि C7H8O का जितना भी फिनॉलिक यानी फिनॉल से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनता है आप बनाइए और उसका नेमिंग कीजिए। तो ये रहा ये थिन स्ट्रक्चर और ये रहा उसका IUPAC, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड राइट IUPAC ऑफ C5H10O, C5H12O है, ठीक है, सॉरी C5H12O है। तो C5H12O का जितना भी समावयवी बनता है उसको IUPAC के साथ लिखना है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि समावयवी आपको अल्कोहल से बनाना है रिलेटेड, फिनॉल से बनाना है रिलेटेड या ईथर से बनाना है, तो आप फ्री हैं इसमें, आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बना सकते हैं। मोस्टली ओपन चैन है तो ये बनेगा एल्कोहल से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड बनेगा, ईथर से रिलेटेड बनेगा। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, दोनों का रिलेशन क्या है, फंक्शनल है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्लियर समझ लीजिए क्या कह रहा है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड राइट IUPAC ऑफ C5H12O। इसी क्वेश्चन के जैसा है, बस ये क्लोज चैन से रिलेटेड है, ये ओपन चैन से रिलेटेड है, यानी C5H12O के समावयवी बनाना है IUPAC के साथ, C5H12O, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिला है, C5H12O, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पहले एल्कोहल बनाते हैं, तो ये देखिए 5 कार्बन और एल्कोहल कहीं भी अटैच कर सकते हैं OH, ठीक है। जैसे ही OH अटैच किया एल्कोहल हो जाएगा, बैलेंस करते हैं 3, 2, 2, 2 and 2, टोटल काउंट करके देख लेते हैं 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 1, 12, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, वन ऑल क्यों, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। इस तरह से घेरने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। ये हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल। अब है इसी को ब्रेक कर करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो OH जो ये फर्स्ट कार्बन पर है, अगर इसको ड्रॉप करके सेकेंड कार्बन पर लेके आ जाए तो यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, बैलेंस आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5, ये हमारा पेरेंट चैन बन गया, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। थर्ड, इस OH को यहाँ भी लेके आ सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना सको। आइसोमर्स का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि भाई आइसोमेरिज्म
मतलब समावयवी किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि जिस कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग बने उसे क्या कहते हैं? समावयवी। और इस प्रक्रिया को कहते हैं समवयता। ठीक है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म इन इंग्लिश आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, दी फेनोमिनन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर दे आर सिमिलर इन मॉलिकुलर फार्मूला, दे आर सिमिलर इन मॉलिकुलर फार्मूला एंड डिफर फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड आइसोमर्स, सॉरी कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दी कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी स्टार्टिंग में अगर आप दी फेनोमिनन कहोगे तो नीचे लगाना है आइसोमेरिज्म और कंपाउंड से स्टार्ट करोगे तो आइसोमर्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज़ हम तो यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन का होगा पेंटेनॉल, सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? पेंटेन टू ऑल। इतना बड़ा मिस्टेक कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसका क्या हो जाएगा? पेंटेन थ्री ऑल, पेंटेन थ्री ऑल। नंबर 4, अब क्या करते हैं इसको और ब्रेक करते हैं। अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं तो काउंटिंग राइट टर्मिनल से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आईयूपैक कहता है जितना क्लोज इंड से आप काउंटिंग कीजिए। तो जैसे यहाँ लेके आते हैं फिर से ये काउंटिंग इधर से हो जाएगा और हो जाएगा पेंटेन टू ऑल, यहाँ ऐड करेंगे तो पेंटेन वन ऑल। यानी अब आप OH को चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तब आपको क्या करना है? कार्बन को ब्रेक करना है। और कार्बन को ब्रेक करने का तरीका क्या बताए थे हम? कि कॉर्नर से ड्रॉप करके कहाँ लगाना है? बीच में। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर ये हो गया 4 कार्बन, इसको ड्रॉप किए, बीच में ऐड कर सकते हैं तो बीच में यहाँ ऐड कर सकते हैं और यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ ऐड करते हैं और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी ईथर का भी बनाना है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3, 2, 3 और ये हो जाएगा क्या? 2। काउंटिंग यहाँ से होगा 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज योर पेरेंट चैन और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-methyl-butane-1-ol, 2-methyl-butane-1-ol। नंबर 4 क्या करना बताए थे? बीच में ऐड करना है। तो ये देखो फिर से 4 कार्बन ले लेंगे और इस बार यहाँ अटैच कर देंगे। बैलेंस करो, ये सब बैलेंस करने के बाद आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप के क्लोज इंड से और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3-methyl-butane-1-ol या ब्यूटेनॉल। नंबर 6, अब आप क्या करोगे? एक और को ब्रेक करोगे और इस बार इसको कहाँ ऐड करोगे? मिडिल में। तो ये देखो 1, 2, 3 बच गया और इस बार मिडिल में 2-2 ऐड कर देते हैं। बैलेंस करो, 3, 3, 3 और ये हो जाएगा 2, 1, 2 एंड 3 इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-2-dimethyl और ये हो जाएगा प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 1-ol। तो है बहुत आसान, आप क्या करोगे इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लोगे। इतने सारे स्ट्रक्चर बन गए पर अभी इसका और भी स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें काउंटिंग कहाँ से किया था? यहाँ से काउंटिंग किए थे 1, 2 एंड 3। ये हो जाएगा 3 के लिए प्रोपेन 1-ol और चूंकि हमारा ये दोनों ब्रांच है सिमिलर है तो 2-2-dimethyl प्रोपेन 1-ol। इससे रिलेटेड अभी आप ईथर का भी बनाओगे क्योंकि एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो ये हो गया नंबर 7, ईथर बनाना है। तो ईथर क्या करता है? डाइऑक्सी आइटम जो है वो कार्बन चैन को ही डिवाइड कर देता है। तो आपके पास 5 कार्बन है, आप एक काम करो 4 कार्बन इधर कर लो और एक ऑक्सीजन से डिवाइड कर लो ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह का और इस पूरे जो साइड कार्बन के साथ ऑक्सीजन अलग हुआ इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। तो 1, 2, 3, 4 इसका नाम हो जाएगा 1-methoxy और ये शायद हो जाएगा ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 1-methoxy-butane। 8 नंबर, इस OCH3 को हम यहाँ ला सकते हैं
यानी एक बार हमारा चैन बन जाने के बाद हम इसको ब्रेक कर करके अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 2-methoxy-butane, ठीक है। तो हम क्या बोले, तो डिवाइड कर सकते हैं, अभी इसको ब्रेक भी बहुत सारा कर सकते हैं। 9th नंबर बनेगा ये, ये देखो तो कार्बन यहाँ से ब्रेक करके हम यहाँ लगा सकते हैं, यानी लाइक दिस, ये OCH3 है और यहाँ हो जाएगा CH3, बैलेंस कर दो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2-methoxy-2-methylpropane, 2-methoxy-2-methyl और क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ये क्वेश्चंस अगर आ गया ऑल दी आइसोमर्स बनाने के लिए तो लॉन्ग आंसर में आएगा ये। अभी और इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको इसी पेज में सारा आंसर बनाना है, तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये तो क्लियर दिख रहा है, इसमें देखो तो क्लियर दिख रहा है। चलिए तो यहाँ देखते क्या करेंगे, ये हो गया आपका 9, अब थोड़ा 10th पे नज़र डालते हैं, यहाँ से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। क्या बताए थे कि आप ऑक्सीजन से डिवाइड कर सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही कार्बन डिवाइड करेंगे, अभी तो आपके पास 5 है तो आप क्या करोगे, 3 इधर ले लो और इधर 2 डिवाइड कर दो, कितना डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो, तो उसको ऐसे लिख दे एक साथ C2H5, या चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बैलेंस करो 3, 2, 2, 2 और ये 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-ethoxy, क्योंकि हमारा पेरेंट चैन इधर सेलेक्ट होगा, 1-ethoxy और ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। 1, 2 और 3, ये हो गया पेरेंट चैन, 1-ethoxy प्रोपेन, ठीक है। अब इसको लेकर यहाँ आ सकते हैं, तो फिर एक और बन जाएगा 2-ethoxy बन जाएगा, यानी अप्रॉक्स 9th, 11th नंबर से टेंशन नहीं लेना है। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5, ये क्या हो जाएगा, CH3CH और ये CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-ethoxy-2-ethoxy-propane, इतने सारे बनेंगे, ठीक है। और भी बन सकते हैं पर एग्जामिनेशन में इतना आप लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर में आएगा आपको ये सारे 10 से लेकर 11 जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं सब बनाना होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन से थोड़ा इधर देखेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन से थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि C5H12O, यानी इसमें छूट गया है इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में, C5H12O के जितने भी एल्कोहलिक आइसोमर्स हैं उसको 1 degree, 2 degree और 3 degree में क्या करेंगे, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर अलग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा सारा आइसोमर्स एल्कोहल से रिलेटेड, यानी आप कौन कौन हाइड कर सकते हैं, आप ये इधर वाला सारा का सारा हाइड कर सकते हैं। नज़र रखना है किस पर, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, ये सारा एल्कोहलिक आइसोमर्स है। अब इसको क्लासीफाई करना है 1 degree, 2 degree, 3 degree में, तो 1 degree का हम क्या बताए थे, थर्ड का आंसर देखेंगे, 1 degree को हम बताए थे कि उसमें कुछ इस तरह का OH होगा, ये 1 degree है, 2 degree में इस तरह का OH होगा, ये 2 degree है, पहचान बता रहे, सिंपल सा तरीका है कि OH वाले कार्बन को फोकस करेंगे, अगर OH वाला कार्बन CH2 है तो 1 degree, OH वाला कार्बन CH है तो 2 degree, और अगर OH वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो किन डिग्री में आएगा, 3 degree में। अब आप क्लियर बोल सकते हो, चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे, इसको क्लियर ही कर देते हैं क्योंकि वैसे भी ये ईथर वाला हमारे काम का तो अभी इस क्वेश्चंस में तो हमारे काम का नहीं है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो कौन कौन हो सकता है 1 degree, इस पर फोकस करते, ठीक है। ये देखो OH के पास CH2 है तो ये कौन डिग्री है, 1 degree। OH के पास CH है, OH के पास CH है तो ये कौन डिग्री होगा, 2 degree, ठीक है। OH के पास CH है, ये देखो CH है
तो ये भी कौन डिग्री होगा, 2 डिग्री। OH के पास CH2 है, इस फोर्थ वाले एग्जांपल में देखो CH3 CH2 CH CH3 पर OH के पास क्या है, CH2 है। CH2 जब भी रहेगा तो कौन डिग्री होगा, 1 डिग्री। OH के पास CH2 है, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। और यहाँ भी OH के पास CH2 है, तो ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में ये नियो है, ये 1 डिग्री में आइसो है, तो है 1 डिग्री। और अभी इसका और बनेगा, और कैसे बनेगा, अब इस पर नज़र डालते हैं। 7th नंबर, हम इस OH वाले ग्रुप को अभी बीच में तो ऐड ही नहीं किए, ये देखो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl, 1 2 3 4, 2-methyl, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2-ol, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ol। और जैसे ही ब्यूटेन 2-ol होगा तो आपका जो OH है उसके पास क्या अटैच है, C अटैच है, ध्यान दीजिएगा OH के पास क्या है, C है, तो ये किस डिग्री में आ जाएगा, 3 डिग्री में। तो ध्यान ये रखना है, जैसे आप एल्कोहल का डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बना लोगे, 3rd नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उन सारे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप क्लासीफाई कीजिए। तो 1 डिग्री का क्या सिंबल बताए थे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, CH2। 2 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, CH। और 3 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट बताया कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, ओनली C, देयर इज नो एनी हाइड्रोजन ऑन द कार्बन C। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सबको क्लासीफाई कर लोगे, यानी जितने भी एल्कोहल के आइसोमर्स बने, आउट ऑफ 7 में से 1 डिग्री कौन कौन है, 1st वाला है, 4th वाला है, 5th वाला, 6th वाला, और 2 डिग्री कौन है, 2nd एंड 3rd, और लास्ट में क्या बना, 3rd डिग्री। 3rd डिग्री का और भी आप बना सकते हैं, आप इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, उससे कुछ नेमिंग में फ़र्क भी हमको लगता है कि नहीं पड़ेगा, जो भी हो। तो हमारे इतने सारे स्ट्रक्चर में 3rd डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर है, एक बार फिर से देख लो, बता दे रहे हैं कि बहुत आसान है, OH वाले कार्बन को ग्रिप करोगे, CH2 रहेगा, दैट मीन्स 1 डिग्री, यानी C5H12O का जो एक ओपन चैनल स्ट्रक्चर बना पेंटेन 1-ol, ये किस डिग्री में आएगा, 1 डिग्री में आएगा। OH के पास क्या लगा हुआ है, CH, यानी ये जो सेकेंड आइसोमर बना पेंटेन 2-ol, ये किस डिग्री में आएगा, 2 डिग्री में आएगा। ठीक है, ये देखो OH वाला CH किस डिग्री में आएगा, यानी पेंटेन 3-ol भी किस में आएगा, 2 डिग्री में आएगा। OH CH2, अगर हम इसको ब्रैकेट करके देख ले तो CH2 है, कार्बन कितना भी ब्रांच हो 2-methyl-butane-1 किस में आएगा, 1 डिग्री में आएगा। CH2 यानी जो भी ये 3-methyl-butane-1-ol है, ये किस में आएगा, 1 डिग्री में आएगा। यहाँ भी CH2 है, तो इसका तो नाम है 2-2-dimethyl-propane या propane-1-ol, किस में आएगा, 1 डिग्री में आएगा। और एक ये बना आपका, देखो यहाँ पर ओनली OH के पास C है, तो ये किस में आएगा, 3 डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये था 3rd क्वेश्चन का आंसर, आप उसको हल्के में ना लेंगे, बनाना आपको टोटल है, दोनों क्वेश्चन साथ में है तो एक ही में आंसर मत सबमिट कर लीजिएगा, अलग अलग बनाइएगा। 2nd में सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर नेमिंग करना था, 3rd वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाकर नेमिंग करने के साथ साथ क्लासीफाई भी करना था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन कौन है। तो चलते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और ये जरूर नोट कर लेंगे, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप में सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, बस यहाँ OH के जगह पर NH2 हो जाएगा या फिर हैलोएल्केन्स में क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट यही है CH2CHN C। चलते अब हम लोग किस क्वेश्चंस की तरफ, हम लोग अब चल रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 4th की तरफ, ये कुछ सेलेक्टेड आईपैक हैं, आपको क्या करना है, इसका आईपैक बनाना है। तो इसमें आई थिंक इस क्वेश्चंस को लेकर ही चला जाए वहीं पर, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसका आईपैक बनाना है CH3CH। अच्छा देखो, तो हम इस क्वेश्चंस को मिटा दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है, ताकि आमने सामने आंसर हो जाएगा, आपको इसका आईपैक करना है। ठीक है, तो आईपैक का क्या तरीका बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना है, ये देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, अगर हम इस A को काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से तो 1 2 3
राइट साइड से काउंट करते तो 1, 2, 3 दोनों ही साइड से ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, पर जब हम राइट साइड की तरफ काउंट करते हैं तो हमें सेकंड कार्बन पर दो दो जो है ब्रांच मिल जा रहा है, और इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड कार्बन पर वन ब्रांच मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा ब्रांच या जितना क्लोज इंड हो उसी को पेरेंट चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट का नेम हो जाएगा 2, 2 एंड 4 ट्राईमिथाइल, 2, 2 एंड 4 ट्राईमिथाइल, और 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फर्स्ट को यहाँ से हाइड कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, जब भी आप काउंटिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करोगे, OH और OH यहाँ दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा पेरेंट चैन बन गया। पेरेंट चैन बना तो 5 पर क्या है, C2H5 को क्या लिखते हैं, इथाइल, 5-ethyl, और ये 7 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेप्ट एन, कहाँ कहाँ OH है, सेकेंड कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, तो क्या हो जाएगा 2,4-diol, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर देखो फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करेंगे, OH एंड OH, सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं, IUPAC और उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर, क्या हो जाएगा 2, 3, वेट, क्या हो जाएगा इसका नेम, इसका नेम हो जाएगा 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और 2 कार्बन और 3 कार्बन पर दो दो गो OH है तो क्या लगेगा 2,3-diol, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2,3-diol, क्लियर है। अब इन सबको मिटा देते हैं, हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर डी पर, ठीक है। देखो डी क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को फोकस करना है। इस बार फिर आ गया CH3O मिथॉक्सी, यानी काउंटिंग करने के लिए हमारा इधर कंटिन्यू कार्बन है, तो आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, आप यहाँ से काउंटिंग नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर इधर से काउंटिंग कर सकते, ये तो सेकेंड पे आ रहा है, भाई ये सेकेंड इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इधर से जब आ रहा है तो वन करने पर ये जो हमारा एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है नज़दीक आ गया। IUPAC का यही तो रूल्स है, जितना ज़्यादा आप नज़दीक करो, जैसे आप यहाँ से काउंटिंग करते हो जाएगा आपका 2,3, यहाँ से काउंटिंग करते हो तो हो जाएगा 1,2, 1,2 ज़्यादा नियरेस्ट है 2,3 से, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, अल्फ़ाबेट में मिथॉक्सी पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1-methoxy, 1-methoxy, उसके बाद 2-methyl, 2-methyl, और फिर क्या हो जाएगा 1-methoxy, 2-methyl, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। अब हम जा रहे हैं ई नंबर क्वेश्चंस पे, C6H5O C2H5, ध्यान देना C6H5 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये रिंग है बेंजीन, और ये हो गया आपका C2H5, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3। ये इसलिए बनाया ताकि आपका क्लियर हो जाए कि क्लोज चैन ओपन चैन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कार्बन दिख रहा है क्लोज चैन की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आप इसको लिख सकते हो 1-ethoxybenzene, 1 को हटा भी सकते हो, ये हो जाएगा 1-ethoxybenzene, ठीक है। तो ये हो गया ई नंबर, अब थोड़ा सा एफ नंबर पे नज़र डालते हैं, चलो यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। एफ नंबर पे नज़र डालते हैं, एफ नंबर क्या कहता है, ओ है फंक्शनल ग्रुप, यानी ये पूरा इतना दूर तक अलग हो जाएगा, CH3CH2O एक तरफ, और ये जो आपको 4 कार्बन दिखाई दे रहा है एक तरफ, आपको क्या करना है पेरेंट चैन सेलेक्ट करना है। तो क्या बताए थे कि जिधर ज़्यादा कार्बन उधर सेलेक्ट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यहाँ से काउंटिंग नहीं करना है, मिडिल से काउंटिंग नहीं होता है, काउंटिंग कभी भी यहाँ से होगा यहाँ से होगा, क्योंकि इस साइड से 1, 2, 3 नंबर पे आएगा और इस साइड से 2 नंबर पे आएगा, तो ये ध्यान रखना है।
और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2-ethoxy और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2-ethoxy ब्यूटेन। तो ये सब आई पैक है, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी आयुपैक दिया हुआ है और आपको आयुपैक से क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये सारे आंसर्स को आप नोट कर लेंगे और अब इनकी ज़रूरत है नहीं तो इनको मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चंस के सामने सामने आंसर बनाया जाए। तो अब हम लोग बनाने जाएंगे क्या, स्ट्रक्चर से आयुपैक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसलिए भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि आयुपैक आ चुका है, तो ज़्यादातर चांस है कि इस बार स्ट्रक्चर से आयुपैक आएगा। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन से, आज के सारे क्वेश्चंस फिनॉल एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या है, फर्स्ट 2-methyl-butane-2-ol। तो ऐसे में स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये देखना है। ए नंबर क्या किया जाता है कि जो वर्ड रूट्स होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो या नंबर ऑफ कार्बन पता चल रहा हो, वहाँ से हम नंबर ऑफ कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। किसी भी साइड से खुद से काउंट कर लेते हैं, यानी हम काउंटिंग के लिए अब फ्री हैं, हम या इधर राइट से लेफ्ट काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट काउंट कर सकते हैं, तो हम ये काउंटिंग भी कर लेंगे। ये मान लिए कि फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, लिखने जरूरत नहीं है, माइंड में भी मान सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। अब जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको आप ऐड कर दीजिए, 2 पर मिथाइल है, यानी मिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3, ठीक है। उसके बाद है आपका 2 पर ऑल भी है, तो 2 पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है, क्लियर, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का हमको एक चैन लेना है, खुद से काउंट कर लेना है, चलो हम काउंट किए राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो सेकेंड कार्बन पर है मिथाइल और सेकेंड कार्बन पर है क्या, एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, 2-methyl-butane-2-ol। लास्ट में आपको क्या करना है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कि 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, इसको 3 हाइड्रोजन, ये 1-2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन, ये 1-2-3-4 कंप्लीट है और ये 3 बनकर रेडी हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो है ना आसान, ऐसे ही आपको सभी का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। चलो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, कार्बन का नंबर से चैन बनाएंगे, मिल गया आपको प्रोपेन, प्रोपेन के लिए कितना कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, ठीक है। उसके बाद खुद से काउंट कर लेंगे, चलो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, याद रखना माइंड में एक आदत ही बना लेना कि हमको राइट से लेफ्ट काउंट करना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 3 पर फिनाइल है, फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, क्या होता है, C6H5, वेट 3 पर नहीं 1 पर फिनाइल है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले गए हैं, ठीक है, 1 पर फिनाइल है, यानी इसको 1 माने हैं, यहीं पर क्या कर देंगे C6H5, आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसा डायग्राम बना सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 पर फिनाइल है, 2 पर ऑल है, यहाँ पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है, ऑल के लिए क्या लगा देना है, OH। देखो फिर से बता दे रहा है, प्रोपेन के लिए 3 कार्बन सेलेक्ट किए, काउंटिंग भी कर लिए राइट से लेफ्ट, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कह रहा है 1 पर फिनाइल लगाने के लिए, ये रहा फिनाइल का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर C6H5 भी लिख सकते हैं, 2 पर ऑल है, 2 ये कार्बन है, लगा दिए OH, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, आपको बैलेंस करना है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, 1-3 हाइड्रोजन, 1-2-3-4-2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर CH3CHOH CH2, और यहाँ पर हम क्या बोले थे, आप लिख सकते हैं C6H5। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये स्ट्रक्चर, आपको मार्क्स मिल जाएगा। सी नंबर की तरफ चलते हैं, क्या करना है, कार्बन का मेन चैन कौन है, हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, 3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, क्या क्या है यहाँ पर देख लो, 3 पर फिनाइल है, क्या बोले थे, राइट से लेफ्ट, यानी ये थर्ड होगा फिनाइल, C6H5, या इस तरह का स्ट्रक्चर बना दो। उसके बाद 1-3-5, तीनों कार्बन पर 1 पर 3 पर 5 पर OH है, ऑल का मतलब OH, तो 1-3 और 5, क्लियर,
इसको ऊपर इसको नीचे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 1 2, इसका ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 एंड 4, 2 2, तो ये सी नंबर बन के कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर की तरफ। डी है, यहाँ देखो क्या करना है, कार्बन का वर्ड रूट पकड़ना है। ये देखो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल 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 का क्या बताए थे, ये स्ट्रक्चर। आप कहीं पर भी OH लगा दो, पर ध्यान रखना कि जहाँ OH लगाओगे वही होगा वन वन, इधर या इधर कहीं भी काउंटिंग कर सकते हो, 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग इसलिए किए ताकि और भी जो भी ग्रुप ऑफ आइटम है उसको हम लगा सकें। ये देखो 2 3 डाई इथाइल है, 2 कौन है यहाँ, 3 कौन है यहाँ। इथाइल का मतलब C2H5, इथाइल का मतलब C2H5 या CH2CH3, है ना आसान। तो ये था डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं ई नंबर की तरफ। चलो यहाँ स्पेस काफ़ी है, आई थिंक इतना में बंद तो जाना चाहिए। ई नंबर क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, मीथेनॉल मीथेनॉल का मतलब वन कार्बन, सिर्फ कार्बन पे फोकस करना और कुछ नहीं करना है। कोई नंबर नहीं है, वन कार्बन है, तो नंबर कहाँ से होगा, साइक्लोहेक्साइल है, यानी यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्साइल बनाना है इस तरह का, इसी को बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। हेक्सेन है पर ब्रांच की वजह से हेक्साइल। उसके बाद ऑल है, इसी पर क्या लगा देना है OH, और कुछ भी नहीं है तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी बैलेंस कर दो, 1 2 एंड 2 4, इसी को कहते हैं साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। मीथेनॉल का मतलब ये मत सोचना कि CH3OH हो, ये ज़रूरी नहीं है, कार्बन वन हो OH हो ये ज़रूरी है। F ठीक है, ये देखो 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, यानी पेंटेन का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, क्लियर है, 5 कार्बन। हम राइट से लेफ्ट काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है 3 पर साइक्लोहेक्साइल है, फिर से साइक्लोहेक्साइल बोले मतलब इस तरह का बना देना है। उसके बाद 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, यहीं पर क्या लगा देना है OH भी, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 3 2 कंप्लीट कंप्लीट एंड कंप्लीट, है ना आसान। अब F के बाद नंबर किसका, G का नंबर, साइक्लोपेंटेन 3 इन 1 ऑल, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आ गए हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए वीडियो से, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। पेंट, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। एक काम करते हैं, हम ये सब मिटा देते हैं, आप लोग कंप्लीट तो कर ही लिए होंगे, ताकि सामने सामने रहे तो बनाने में आसानी हो जाए। चलिए अब यहाँ देखते हैं जी नंबर क्या कर रहा है, पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन। वेट, साइक्लो पेंट है, यानी पेंट तो होगा पर वो पेंट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। हम कहीं से भी 1 2 3 4 मान सकते हैं, चूंकि क्लोज चैन है, तो चलो मान लिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है, फिफ्थ है। इधर भी कर सकते थे, यानी साइक्लो पेंट 3 पर इन है 1 पे ऑल है, यानी जिसको हम 1 माने हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे OH, और 3 पर इन है तो तीसरे कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं क्या क्या पिक किए हैं, वर्ड रूट्स, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट यानी हम पेंट लिए 5 कार्बन, ठीक है, और कहीं से भी काउंटिंग कर दिए, काउंटिंग हम यहाँ से किए, 1 2 3 4 एंड 5, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते थे कहीं से भी, पर एक 5 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन तो आप कीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 पर ऑल है, यानी फर्स्ट कार्बन पर OH लगा दिए, और 3 पर इन है, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग 3 से करेंगे, 4 पे जाके एंड करेंगे, यानी 3 से 4 की तरफ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। और इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस कीजिए, तो इसको 2 हाइड्रोजन, इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कार्बन हाइड्रोजन को डिसअपेयर कर दे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। पेंटेन, पेंटेन के पहले कोई साइक्लो नहीं है, यानी पेंटेन का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट से काउंटिंग में कर लिए, मान लिए कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, चलो लिख देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये 5, ठीक है।
अब क्या कर रहा है, थ्री पर क्लोरो है, थ्री पर क्या लगा देंगे Cl, थ्री क्लोरो मिथाइल, यहाँ पर थ्री क्लोरोमिथाइल है, ठीक है। तो क्लोरोमिथाइल है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्लोरोमिथाइल का मतलब हो गया कि C होगा और C के साथ होगा क्लोरीन, यानी इसको क्या लगाएंगे CH2Cl, CH2Cl, वन टू थ्री, थ्री पर क्या हो जाएगा क्लोरोमिथाइल ये हो जाएगा, और फिर कह रहा है वन पर ऑल है तो ये क्या हो जाएगा OH, वन पर ऑल है मतलब OH, बैलेंस कर दीजिए थ्री टू वन टू एंड टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो इसी तरह से क्रैश कोर्स के हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, मेहनत आप कीजिए, मार्क्स की गारंटी बिल्कुल रहेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप जैसे ही यूट्यूब ऑन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, या ऐसे भी आपके मोबाइल में अगर नेट ऑन रहेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचेगा, और आप जब एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।